गुड मॉर्निंग रॉक स्टार्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पूरी उड़ीसा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारे ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे। बहुत मेहनत करके बहुत रिस्क के साथ इतना ऊपर उड़ाया एंड बस आप लोगों के लिए कर रहे हैं। एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है यार, एंड अगर अच्छा लगे ज़्यादा तो डेफिनेटली शेयर ज़रूर करें। आज के दिन का शुरुआत कुछ ऐसे हो रहा है कि अपने रूम के बाहर अभी हम हैं फिलहाल, एंड यहाँ पर इतना ज़्यादा धूप है कि विदाउट सन ग्लासेस जो अभी मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इट इज़ सो फ्रीकिंग हॉट आउट हियर इन पूरी। कल आप लोगों ने देख ही लिया कौन से गेस्ट हाउस में हम लोग रुक रहे थे। ये है फिलहाल अपने रूम का हालत। यहाँ पे अपना भाई एक बज चुके हैं यार, तो दोपहर के अभी फिलहाल एक बज रहे। So without wasting any more of your time, let's welcome you all back to my channel. Hello everyone, welcome back to my channel. Rocket! तो आज है आपका 8वां एपिसोड ऑफ माय बिंगो राइड। आज के इस एपिसोड में हम लोग थोड़ा बहुत उड़ीसा एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम लोग का प्लान है कोणार्क जाने का। कोणार्क में एक बहुत फेमस टेम्पल है जो कि आपका सन टेम्पल। बचपन से मैं हमेशा सन टेम्पल के बारे में पढ़ता आ रहा हूँ। आज सब ठीक रहेगा तो आज हम वहाँ पे दर्शन भी कर लेंगे। कोणार्क सन टेम्पल के बाद जाएंगे चंद्रभागा बीच, उसके बाद हम लोग आएंगे वापस से पुरी, फिर जाएंगे जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद वापस से शाम को पूरा यहाँ पे चिल बिल मारेंगे एंड कल हम लोग रफू चक्कर हो जाएंगे। तो अभी बिना कोई देरी किए निकलते हैं यहाँ से एंड लेट्स स्विच टू माय मोटो ब्लॉगिंग सेटअप एंड देन लेट्स स्टॉप। एटलीस्ट ग्लव्स पहन लेते, भयंकर वाला धूप है यार, क्या ही बताए। थैंकफुली मैंने अभी शॉर्ट्स पहना हुआ है, वरना अगर राइडिंग गियर्स पहन के निकलते सोच क्या हालत होता भाई। ये अपना होटल, टॉप फ्लोर में हम लोग रह रहे हैं। चलो जी अभी निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। बता तो रहा है यहाँ से तू घुमा पहले कोणार्क। चलो बेटा बाय। चलो ऑलराइट, सो इट्स अ ब्रांड न्यू डे एंड अ ब्रांड न्यू एडवेंचर बिगिंस राइट फ्रॉम हियर। अभी हम लोग एग्जैक्टली सी बीच के सामने तो नहीं रह रहे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सारे होटल्स हैं बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है, एंड जैसे कि आप लोग को पता है अपने को पूरा इंडिया घूमना है। तो इंडिया राइड की वजह से अपने को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि मेरा फालतू का पैसा इधर उधर का खर्चा ना हो, तो जितना हो सकता है कम पैसों में अपने को होटल का बंदोबस्त करना होता है, कम पैसों में सब कुछ करना होता है। ये है आपका मेन मार्केट, सामने भी आपको मार्केट मिल जाएगा। ये पूरा एरिया बेसिकली दीदी, ये पूरा एरिया बेसिकली आपका मार्केट एरिया है। यहाँ पे आपको खाने का सामान से लेके कपड़े का सामान से लेके हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। एंड हमारे लेफ्ट साइड में है समुंदर, द बे ऑफ बंगाल। सी साइड एरिया में रहने का मज़ा ही कुछ और है। कल रात को भी हम लोग बस यहाँ पर बैठ के चिल मार रहे थे, आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे, जिंदगी का मजा उठा रहे थे यार। दीज आर द डेज, दीज आर द नाइट्स दैट विल रिमेंबर फॉर योर लाइफ टाइम। बस क्या है कि आज संडे है तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। शाम के टाइम पे तो ये एरिया, ये पूरा आपका मार्केट एरिया है, इतना ज़्यादा क्राउड है यार यहाँ पे। सब लोग अभी इतने गर्मी में यहाँ पे अभी समुंदर के मज़ा ले रहे हैं। लेकिन पूरी जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो है आपका जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल में सभी लोग अगर पूरी आते हैं तो एक ना एक बार तो होकर जाते ही है। ऑफिशियली जो है ऑफिशियली अपना कोस्टल राइड स्टार्ट हो चुका है। अभी हम हैं एग्जैक्टली द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में, तो ये ईस्टर्न साइड से ही अपना जो है कोस्टल राइड स्टार्ट हो चुका है। सालों का सपना था यार
ये कोस्टल एरिया में बाइक चलाने का, एंड ये अब जाके फाइनली सच हो रहा है यार। कंट्री साइड फील्स आ रहा है बॉस, ये अपना ऑलमोस्ट कालीनगर वाला वाइब्स दे रहा है। एक पारा है जहाँ पे मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम बचपन गुजरा था, ऑलमोस्ट कुछ ऐसा टाइप का ही लग रहा है यार। कोणार्क 26 किलोमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, महंगा होगा अपने को ये सब, GST लगा देगा अपने को, वैसे भी ये सब जमता नहीं है भाई। चलो हो गया जी पार्क, जिधर में भी पंखा रहेगा उधर में ही बैठने का। अरुण जीवन मानी जीवन भी बज रहा है, दोपहर के दो, यहाँ से खाते खाते निकलते निकलते 3 बज जाएगा। इसका प्राइस कितना है? 120 आएगा टोटल, मतलब ये पूरा टोटल 120 आएगा। हम नहीं फिर हटाओ भाई, खाली चिकन थाली दे, 150 रुपये करके है चिकन थाली, 100 रुपये होगा शायद से वेज थाली। दिस इज द ढाबा जहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल बैठे हुए हैं, आराम से पंखे के नीचे बैठे हुए। यहाँ पे पूरी में मैंने देखा है कि जियो का जो इंटरनेट है, जियो का नेटवर्क आपको मिलेगा ही नहीं, जैसा कि आप देख सकते हो खाली एक डंडा दिखा रहा है। एयरटेल का इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इस वाले मोबाइल पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एयरटेल वाला सिम। अपना जो मेन मोबाइल है इसमें मैं जियो का सिम यूज़ कर रहा हूँ, इसके हॉटस्पॉट से ये वाला हम चलाते हैं। अगर आप कभी भी पूरी आ रहे हो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, या फिर यहाँ के आसपास में आप रह रहे हो, यहाँ पे आपको जियो का इंटरनेट मिलेगा ही नहीं। दिस रियली लुक्स अमेजिंग, आई होप कि कल वाले जैसा ना हो। वैसे उड़ीसा का जो स्पेशल डेलिकेसी है वो है आपका खिचड़ी एंड मिठाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी और मिठाई फेमस है। कोई देरी के टूट पड़ते हैं, अच्छा कल के खाने से तो बेहतर ही है। क्या लग रहा है भाई, मेरे दिमाग में खाली एक ही चीज़ घूम रहा है, यहाँ पे कितना सारा जंगल है एंड ना कोई पोल्यूशन है, धूप इतना ज़्यादा है लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग रहा है, एंड रास्ते भी इतने ज़्यादा सेक्सी है। बहुत ही अच्छा वाइब्स आ रहा है यार यहाँ से। उड़ीसा में ऐसे बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड जगह है, मेरा मन तो है एक्सप्लोर करने का लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने पास टाइम नहीं है। कल अभी रुक जाएगा कोलकाता में, जिधर में भी रुकते हैं उधर में भी बस रुके रहने का मन करता है, इतना सुंदर है उड़ीसा। क्या सुंदर है भाई, ये आपको थोड़ा थोड़ा राजस्थान और गोवा वाला फील देगा। गोवा क्योंकि यहाँ पे बीच है एंड राजस्थान क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट टाइप ड्यून्स है। टेंपल, पेट्रोल पंप मिलेगा क्या सामने भाई? पहले पेट्रोल घुसा के आता है ये। अभी हम लोग वैसे कोणार्क में पहुंच चुके हैं, ये है आपका कोणार्क जो कि बहुत ही एक फेमस और एक हिस्टोरिकल सिटी है। सच अ क्लीन प्लेस मैन। 4-5 किलोमीटर घूमने के बाद अब जाके अपने को पेट्रोल पंप मिल चुका है, एंड यहाँ पे भी पेट्रोल का प्राइस जो है 103.4 करके चल रहा है। रिफ्यूलिंग हैज बीन डन, 1200 रुपये का पेट्रोल गया, ऑलमोस्ट खाली होने वाला था, बस कुछ किलोमीटर्स और चलने वाला था, फिर उसके बाद मेरे को ढकेल के लेके जाना पड़ता। ओह हो, हो, इतना भीड़। अभी वेदर देख के तो ये लग रहा है कि इट माइट रेन। तो वैसे कोणार्क सन टेम्पल जो है, सन टेम्पल इस साइड से, एंड ये है आपका मार्केट। थैंक यू भाई, थैंक यू। आज इतना ज़्यादा भीड़ है, ओनली बिकॉज ऑफ संडे। हाँ, तो ये है आपका कोणार्क सन टेम्पल।
वहाँ पे आपका कोणार्क सन टेम्पल एंड दिस इज द टिकट काउंटर। अभी टिकट का प्राइस कितना एग्जैक्टली वो तो पता नहीं है। वैसे अगर आपको पता नहीं है देन लेट मी टेल यू ऑल कि ये जो कोणार्क सन टेम्पल है ये आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे हेरिटेज साइट्स है, उसमें से एक है आपका कोणार्क का सन टेम्पल। यहाँ पे जो टिकट का प्राइस है वो है 40 रुपये करके पर पर्सन। आपको एग्जैक्टली टिकट तो नहीं मिलेगा, आपको ये छोटे से टोकन मिलेंगे। ये टोकन आपको दिखाना होगा सामने उस वाले काउंटर में। हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया तब से शायद से ये टोकन का सिस्टम कर दिया। हाँ हाँ खोल दिया। मैंने ट्राइपॉड को निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे ट्राइपॉड लेके जाना अलाउड नहीं है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर ताजमहल। ताजमहल में भी अगर आप जाओगे आपको ट्राइपॉड लेके जाने नहीं देगा। एग्जैक्टली मेरे पीछे जो आप टेम्पल देख रहे हो ये है आपका सन टेम्पल। एंड एज द नेम सजेस्ट ये टेम्पल बनाया गया था सूर्यदेव के लिए, जिसकी वजह से इसका नाम सन टेम्पल दिया गया है। एंड ये 13th century में बनाया गया था। अभी और हिस्ट्री के बारे में तो उतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, अगर आपको पता है आप लोग नीचे मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो वी आर लीविंग फ्रॉम कोणार्क सन टेम्पल एंड सूर्यदेव जी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम। अभी जा रहे हम लोग टूवर्ड्स चंद्रभागा बीच। सो दिस इज इट, यही आपका चंद्रभागा बीच। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रभागा। यही नज़ारे के लिए हमें इंडिया राइड कर रहे हैं यार। ओ आप एक क्वाड बाइक्स चला रहे एंड दिस इज द वेरी फेमस चंद्रभागा बीच, जो कि आई गेस उड़ीसा का सबसे क्लीनेस्ट बीच है। इसको बहुत सारे ऐसे रिकॉग्निशंस मिले हैं इस बीच को टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस थ्रू आउट एशिया। वाओ ब्रो। सही में ना यार दिल आ गया चंद्रभागा बीच पे। बेस्ट एक्सपीरियंस था अभी तक का मेरा जिंदगी का, घुमा हुआ सबसे बेस्ट बीच मेरे को लगा। सो होपफुली अपन वापस से आएंगे चंद्रभागा बीच एंड यहाँ पे एक बार मेरा कैंपिंग करने का बहुत मन है। आसपास में देखेंगे कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बहुत ही जल्द। राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द होटल, जा रहे वापस पूरी।
तो मिलते हैं होटल पहुंचने के बाद। तो अभी होटल पहुंच चुके हैं एंड राइट नाउ इट इज 7:47। हम लोग अभी फिलहाल ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सबसे पहले नहाने जाएगा, वो भी किस चीज़ से, स्टोन पेपर सीजर्स से। दो पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरा 2 पॉइंट्स हो चुका है, इसका 2 पॉइंट्स हो चुका है। अभी है फाइनल राउंड और सोच रहे कि आप लोग को भी दिखा देंगे, इससे जो जीतेगा वो होगा सिकंदर। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। नहीं इसको ऐसे ऐसे क्या कर रहे, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। वो सिकंदर ही जगन्नाथ टेम्पल को फुल पैंट पहन के जाना होता, पैर नहीं ढक के जाते हो देन आपको एंटर करने नहीं मिलेगा। सामने अपने को हेयर बैंड मिलेगा तो खरीद लेंगे। यहाँ से बस 1.7 किलोमीटर दूर है जगन्नाथ टेम्पल, वहाँ पे भी एक मंदिर था एंड यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है एंड उड़ीसा इज मोस्टली फेमस फॉर इट्स हिंदू टेम्पल्स। पूरी की गलियों से जाते हुए सौरव और अभिरूप टॉमी के साथ। हेलमेट होगा 500 रुपए का, लॉक लगा है 1000 रुपए का, ऐसा लॉक लगा है साला चोर भी बोलेगा अपने को चोरी नहीं कर। हम लोग अभी मंदिर के पीछे के साइड में एंड यहाँ से हम लोग अभी एंटर नहीं कर सकते, ये आपका एग्जिट एरिया एंड घूम के अपने को जाना होगा उस साइड से, वहाँ से है आपका एंट्रेंस। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू ऑल, जो है पैर आपको ढक के जाना होगा, ये है आपका पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि आप ना मोबाइल कैरी कर सकते हो, ना कैमरास कैरी कर सकते हो, कुछ भी कैरी नहीं कर सकते। तो सब कुछ अपने को अभी फिलहाल टॉप बॉक्स के अंदर रख के जाना होगा। तो फिर मिलते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद। पुलिया देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि जगन्नाथ टेम्पल में अच्छे से भगवान का दर्शन हो चुका, एकदम होता है ना क्लोज कॉल फेस टू फेस, ऐसा लग रहा था कि भगवान जी अपने को ही देख रहे हैं। एंड बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, इतना भीड़ था, जो भी हो भगवान का दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है एंड मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है अभी फिलहाल। तो आज रात को नींद जो है अपना एकदम मस्त आएगा, एकदम होता है ना घोड़ा बेचने वाला नींद, एकदम घोड़ा बेच के अभी अपन सोएंगे आराम से आज रात। लेकिन उससे पहले थोड़ा रोली रोली करने का है अपने को जाएंगे, क्योंकि ये मेरा लास्ट नाइट होने वाला है यहाँ पे पूरी में एंड अभिरूप का भी लास्ट नाइट होने वाला है, क्योंकि अभिरूप कल निकलने वाला है कोलकाता के लिए। ये है मंदिर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, मैंने आप लोग को कुछ दिखाया नहीं है, ऑब्वियस सब बात है यार, कुछ दिखा भी नहीं सकते, लेकिन जो भी हो मैं कैमरा के थ्रू आप सभी के लिए मैं दुआ भेज रहा हूँ, आशीर्वाद भेज रहा हूँ भगवान जी से। या दैट्स ऑल, अभी निकलते हैं यहाँ से वापस से एक और बार बोलते हैं जय जगन्नाथ।